ये मेरे सेरेमिक पॉट रखे हुए हैं बालकनी में। ये जो सेरेमिक पॉट है ये मेरे अलग अलग डिज़ाइन के हैं, जिसमें बुद्धा है, कुंडी है, एलिफेंट है और अलग अलग ही छोटे बड़े साइज के हैं ये। और ये मैंने इसलिए रखे थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हैवी रेन हुई थी यहाँ पे। और ये मेरा स्टैंड है और इस स्टैंड पे मैं ये सेरेमिक पॉट रखती हूँ। और सुबह जब बारिश आई तो ये सारे मैंने यहाँ से उठा के ग्रिल के पास रख दिए थे ताकि बारिश का पानी इन पे लगे। हेलो दोस्तों, श्रीकुंज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शशि आज आपको अपने सेरेमिक पॉट दिखाना चाहती हूँ। बड़े सुंदर उसमें प्लांट है, तो परिचित होइए आप भी उन प्लांटों से। ये फर्स्टली मेरा कुंडी में सेंसवेरिया प्लांट है और ये काफ़ी फुल भरा हुआ है ये, और इसमें कहीं गुंजाइश भी नहीं लग रही है, नई पप भी मेरी इसमें आ रही है काफ़ी, मैंने इसको अलग नहीं किया है। और ये नेक्स्ट है मेरा स्पाइडर प्लांट, और ये मैंने हांडी में ग्रो किया था कटिंग से ही, तो ये काफ़ी फैल के आया हुआ है ये, इसलिए इसको मैं ये ऊपर रखती हूँ खुले में, और इसमें कोई स्टीम नहीं आई हुई है। और ये नेक्स्ट मेरा है, ये भी स्पाइडर ही है, ये देखिए छोटे से उल्लू में इसको ग्रो किया है। और ये देख रहे हो ना आप इसकी स्टेम कितनी लंबी है इसकी, ये स्टेम और इसमें कितने छोटे छोटे शूट आई हुई है। और ये मुझे बड़ी सावधानी से इसको सेट करके रखना पड़ता ताकि इसकी स्टेम टूटे ना। ये देखो मैं कैसे सेट कर रही हूँ इसे, कितनी सुंदर लग रही है ये। मार्बल मनी प्लांट है इसमें, ये देखो छोटी सी कटिंग लगाई थी और ये अब कितना बड़ा हो गया। और ये मैंने ऐसे इसको गोल राउंड में घुमा के ये ऐसे मैंने इसको सेट करके रखा था, और इसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ अभी। तो ये नेक्स्ट है ये टर्टल, और इसमें है गोल्डन सेंसवेरिया प्लांट। ये देखो मैंने इसमें एक पब लगाई थी, ये अब इसमें एक एक्स्ट्रा पब निकल गई है। ये देखो इसको मैं रखूँगी इधर एक तरफ, ये पूरब की तरफ इसका मुंह हो गया, शुभ माना जाता ना टर्टल का पूरब की तरफ मुंह रखना। और एक ही मेरा है डिफेनबेचिया का प्लांट, आप हैरान होंगे क्योंकि इसके लीफ तो काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं और ये छोटे से उसमें, लेकिन देखते हैं बहुत सुंदर लगेगा इसमें। ये देखो मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी इसमें, इसको भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ये ट्विंस हो गए। और ये छोटा सा क्यूटी क्यूटी एलिफेंट, और दिखने में कितना सुंदर लग रहा है ये। इसमें मैंने वंडरिंग जॉय ग्रो किया है, ये देखो वो पूरा फैल गया, ये जंगल सा हो गया इसके ऊपर। और एक और ये एलिफेंट है, और ये है इसमें सिंगोनियम की कटिंग, तो ये देखो सिंगोनियम कितना फैल गया इसमें भी, काफी नाजुक है ये सेरेमिक पॉट सारे। और नेक्स्ट है ये मेरा जेड प्लांट, और ये भी काफ़ी बड़ा हो गया, ये इसमें भी मैंने 2 इंच के लगभग की कटिंग लगाई थी, देखना कितना बड़ा हो गया, बहुत सुंदर लग रहे हैं छोटे छोटे एलिफेंट ये। काफ़ी केयर करनी पड़ती है इनकी। और ये नेक्स्ट है मेरा, ये हांडी में ग्रो किया हुआ है, ये भी सिंगोनियम है लेकिन इसकी दूसरी वैरायटी है ये। इसके लीव्स देखिए कितने डार्क है, उसका लाइट कलर था
और लीफ भी इसके बड़े बड़े हैं इसके भी, तो ये भी काफ़ी मेरा बड़ा हो गया है। और ये मैं यहाँ पे इसलिए रखती हूँ ताकि इसकी लंबाई जो है काफ़ी बड़ी है, तो ये सेट हो जाए इसका यहाँ पे। और ये नेक्स्ट है मेरा, ये सेंसवेरिया प्लांट है, ये बुद्धा। एक पब लगाई थी इसकी मैंने और ये पूरा भर गया, ये देखो, और बड़ा सुंदर लग रहा है ये। और कहीं भी इसकी स्पेस कहीं नहीं दिख रहा मुझे इसका, कहीं गुंजाइश नहीं। ये ऊपर भी इसकी न्यू पब आ रही है ये, और साइडों से भी ये पूरा भर गया पब से, ये देखिए। या तो मैं इसको निकाल दूँ ना, तो ऐसे ही रहने दूँ, ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है ये। और देखना कितना सुंदर लग रहा है ये। ये देखिए, इसको मैं रखती हूँ अपनी टेबल पे, और ये यहाँ पे काफ़ी सुंदर इसका आइडिया लग रहा मुझे रखने का, और हल्की फुल्की ग्रीनरी भी दिख रही है टेबल पे। ये भी मेरा सिंगोनियम है, लेकिन ये मिनी सिंगोनियम है। इसके लीव्स देखिए कितने छोटे हैं और लाइट कलर है इनका, तो ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। और ये भी मैं यहीं पे सेट कर देती हूँ इसको भी। अब ये जितने भी मेरे प्लांट है ये सेरेमिक पॉट में, तो इनको मैं समय समय पे, मैंने इनको फर्टिलाइजर भी दिया है और एप्सम सॉल्ट का मैंने स्प्रे किया है, लेकिन मैं इनमें खाद तो नहीं डाल पाती हूँ। हाँ, इनको मैं फर्टिलाइज़र ज़्यादा देती हूँ। और ये मेरा शेडेड एरिया है, एक आध घंटे की धूप लगती है इनको, बाकी यहाँ पे छाया रहती है। तो ये देखिए कितने अच्छे हेल्दी ग्रोथ हो रहे हैं ये प्लांट मेरे। आशा करती हूँ कि आपको ये सेरेमिक पॉट पसंद आए होंगे, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।